पत्तियां खाने वाला ऊंट के मुंह में किंग कोबरा क्यों डाला जाता है। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आपने राजस्थान के मरुस्थल, दिल्ली की परेड या अपने गांव मोहल्ले में ऊंट तो जरूर देखा होगा। इनकी सवारी का अपना अलग ही आनंद है। बैठने पर थोड़ा सा ही फील होता है। ये पत्ते, पौधे, फल फूल आदि खाते हैं। इनके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कूबड़ होता है, हाँ वही जो ऊपर की ओर उठा होता है। ऊंट यहीं पर चर्बी स्टोर करके रखते हैं और जब तेज गर्मी में भोजन पानी मिलने की उम्मीद नहीं रह जाती तो इसी फेट के सहारे वे जिंदा रहते हैं। ये बात सच है कि बिना पानी पिए ऊंट लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन जब पीता है तो 100-150 लीटर घटक जाता है। लचक कर चलने वाले इस शानदार जानवर की ऊंचाई 7 फीट तक हो सकती है। ऐसे में वो क्या वजह है कि ऊंट को सांप खिलाने की नौबत आती है? दरअसल ऊंट को एक अजीब बीमारी होती है, वे खाना पीना छोड़ देते हैं, शरीर अकड़ने लगता है। मध्य पूर्व में ऐसी मान्यता है कि ऊंट का इलाज करने के लिए उसे जहरीला सांप खिलाना जरूरी होता है। इसके बाद ऊंट के मालिक उसके मुंह में मुंह को खोलते हैं और जहरीला सांप डाल दिया जाता है। इससे ठीक बाद पानी डाल दिया जाता है जिससे वह सांप अंदर चला जाए। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है। इस बीमारी को ह्याम कहते हैं, इसका मतलब जिंदा सांप निकलना। बताया जाता है कि लोगों का यह भी कहना है कि वैज्ञानिक इस रहस्यमय बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए जिससे ऊंट का इलाज किया जा सके। ऐसे में ऊंट मालिक को किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप या पाइथन खिलाने ही होंगे। माना जाता है कि इससे सांप का जहर ऊंट के शरीर में फैल जाता है। जब असर कम होने लगता है तो ऊंट भी ठीक होने लगता है। कुछ दिन में ऊंट पूरी तरह से चंगा हो जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो बहुतेरे वीडियो उपलब्ध है। जानवरों के एक्सपर्ट डॉक्टर की माने तो यह कीड़े के काटने से ये बीमारी होती है। ऊंटों में गर्भपात के समय मौत भी हो सकती है। इसके लक्षण बुखार, आंखों से आंसू गिरना, एनीमिया, शरीर का फूलना, ऊर्जा की कमी आदि है। इलाज ना होने पर ट्राइप्रोसोमियासिस से ऊंट के मरने का खतरा रहता है। डॉक्टर सांप खिलाने से ऊंट के ठीक होने की बात को एक मिथक मानते हैं। इस बीमारी के साथ ही यह भी जान लीजिए कि ऊंट को शांत प्रजाति का जानवर माना जाता है। इसे धैर्य, सहनशीलता और धीरज का प्रतीक कहा जाता है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।